हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस पोयम हाउ द लीव्स केम डाउन तो ये जो पोयम है इस पोयम को लिखा था सुजैन कोलरिज ने और ये एक बहुत ही अच्छी पोयम है इस पूरी के पूरी पोयम में परसोनिफिकेशन किया गया है क्या आप समझते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए है ना किसी पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंक को लिविंग थिंक की तरह शो किया जाए उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है तो ये एक इतनी ब्यूटिफुल पोएम है इस पोएम में जो राइटर हैं जो नरेटर हैं ऑथर हैं जो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि, कि किस तरीके से किस तरह से एक पिता और एक बच्चे का एक फादर और एक चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है लेकिन उस रिलेशनशिप को उस रिश्ते को उन्होंने एक ट्री और उसके लीव्स के थ्रू बताया गया यानी कि यहाँ पर ट्री को बना दिया गया है क्या ट्री को बना दिया गया है फादर और उसकी लीव्स को बना दिया गया है क्या उसकी लीव्स को बना दिया गया है उसके बच्चे ठीक है तो हाउ द लीव्स केम डाउन किस तरीके से पत्तियां झड़ जाती हैं और आपको पता है कि पत्तियां कब झड़ती हैं ऑटम का टाइम होता है वो जिसे पतझड़ कहते हैं है ना तो हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लीव्स चेंज कलर एंड फॉल इन ऑटम इफ यू to टू आस्क the लीव्स वुड सीम लाइक अ लिटिल children गोइंग टू bed तो क्या आपने कभी कभी आपको अजीब लगा एवर यू वंडर्ड कभी आपने सोचा कि ये जो पत्ते हैं अपना कलर कैसे बदलते हैं और ऑटम के समय पे यानी पतझड़ के समय पे ये किस तरीके से गिर जाते हैं अगर आप पूछेंगे तो इस बात का जवाब ये होगा कि वो बच्चों की तरह होते हैं जो सोने के लिए चले जाते हैं तो चलिए इसको देखते हैं ध्यान से और पढ़ते हैं बहुत प्यारी सी पोएम है और आपको सबको पढ़नी चाहिए तो स्टार्ट करते हैं इसे आई टेल यू हाउ द लीव्स केम डाउन तो मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से पत्तियां गिरती हैं द ग्रेट ट्री टू हिस्सिल तो यहां पर जो ट्री है, इस एक पापा ने एक फादर ने अपने बच्चों से कहा फादर कौन है फादर है ट्री और उसके बच्चे कौन है बच्चे हैं उसकी लीव्स तो फादर उस फादर ट्री अपने बच्चों लीव से क्या कहता है कि मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि किस तरीके से पत्तियां गिर जाती हैं यू आर गेटिंग स्लीपी येलो एंड ब्राउन तब पत्तियां गिरती हैं जब तुमको यानी तुम पत्तियों को जो तुम सब बच्चे हो ना मेरे तुमको जब नींद आने लगती है तुम स्लीपी फील करने लगते हो तुम येलो कलर के हो जाते हो और ब्राउन कलर के हो जाते हो येस वेरी स्लीपी लिटिल रेड और जब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आती है तो आप रेड कलर के हो जाते हो यानी कि जब पत्तियाँ सूखती हैं तो वो पहले येलो कलर की होती हैं फिर ब्राउन कलर की होती हैं और उसके बाद वो रेड कलर जैसी नज़र आने लगती है और उसके बाद ही वो गिरती हैं तो पापा पेड़ अपने बच्चे पत्तियों को क्या बता रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि पत्तियां कैसे गिरती हैं ये पत्तियां ऐसे गिरती हैं कि जब तुम नींद आने लगती है तुम येलो कलर के हो जाते हो ब्राउन कलर के हो जाते हो और जब तुम्हें बहुत तेज नींद आती है तो तुम रेड कलर के हो जाते हो इट इज क्वाइट टाइम टू गो बैड और तुम ऐसा क्यों करते हो क्योंकि ये तुम्हारा समय होता है सोने जाने का और यही समय है जब तुम यू गो टू बेड यू आप सोने चले जाते हो ठीक है तो यहाँ पर पेड़ अपने बच्चों को बता रहा है आगे बढ़ते हैं देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है आह बेग्ड ईच सिलीप पाउटिंग लीव अब यहाँ पर जब बच्चों को कहा गया सो जाओ तो छोटे बच्चों को भी जब कहा जाता है सो जाओ तो वो और जागते हैं उनको और नहीं सोना होता है तब तो यहां पर भी जितने भी बच्चे हैं पेड़ के इनसे कहा जा रहा है सो जाओ सोने का टाइम हो गया है तो दे वर पाउटिंग तो पाउटिंग क्या होता है ये देखो ये इस बच्चे ने जो मुंह बनाया ना इसको कहते हैं पाउटिंग और जनरली ऐसा मुंह कब बनाते हैं लोग जब गुस्सा हो जाते हैं छोटे बच्चे जब नाराज हो जाते हैं तो या रोने वाले होते हैं उसके पहले ऐसा मुंह बनाते हैं गुस्से में है ना तो पाउटिंग का मतलब होता है इस तरीके से मुंह बना लेना तो वो इस तरीके से मुंह बनाते हैं अस अ लिटिल स्टे और अपने पापा और पेड़ से क्या कहते हैं हमें कुछ देर और रुकने दीजिए डियर फादर ट्री बी होल्ड आ ग्रीफ प्यारे पापा प्यारे पापा पेड़ डियर फादर ट्री बीहोल्ड our grief, हमारे दुख को समझो बीहोल्ड आ grief, मतलब ग्रीफ मतलब होता है दुख और बीहोल्ड आर grief का मतलब यहाँ पर है टू अंडरस्टैंड अ पेन हमारे दर्द को समझिए हमारे दुख को समझिए दिस सच अ वेरी प्लेजेंट डे ये एक बहुत अच्छा और प्यारा दिन है एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे और हम जाना नहीं चाहते हम सोना नहीं चाहते अभी हमें जागने दीजिए तो ये बात जो है बच्चे कह रहे हैं अपने पापा से ठीक है ये जो है, जो पत्तियाँ हैं जो चिल्ड्रन हैं चिल्ड्रेन लीव्स हैं जो वो अपने पापा पेड़ से कह रही हैं कि नहीं हमारे दुख को समझिए और मुंह बना रहे हैं गुस्से में और कह रहे हैं नहीं हमें रहने दीजिए अभी हम और देर यहाँ पर रहना चाहते हैं हम जाना नहीं चाहते क्योंकि दिन बहुत अच्छा है सो फॉर जस्ट वन मोर मैरी डे टू गेट ट्री एंड लीव लेट्स क्लंक तो क्या बोलते हैं बच्चे कि एक और मैरीडे मैरी का मतलब होता है happy, तो एक और खुशी भरा दिन होगा अगर आप हमें यहाँ पर रहने देंगे तो ये देखो ये पापा हैं और ये सब उनके बच्चे हैं तो क्या कहते हैं जस्ट सो जस्ट वन मोर मैरी डे टू द ग्रेट ट्री द लीफ लेट क्लंग तो क्लंग का मतलब होता है चिपके रहना या टू स्टिक है ना किसी चीज से चिपके रहना जैसे कि पेड़ पे पत्तियाँ चिपकी रहती हैं ना तो क्लंग होती हैं पत्तियाँ तो यहाँ पर वो बच्चे क्या कह रहे हैं सारी पत्तियाँ अपने पापा से क्या कह रही हैं सो फॉर जस्ट वन मोर मेरी डे सिर्फ एक और खुशी भरा दिन हमें दे दीजिए टू द ग्रेट ट्री द लीफ लेट क्लंग तो हम आपसे चिपके रहना चाहते हैं हम आपके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं एक और दिन के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है फ्रॉलिक्ड एंड डांस एंड हैड देयर वे अपॉन द ऑटम ब्रीज स्वंग विस्परिंग ऑल दियर स्पोर्ट्स अमंग तो क्या कहते हैं फ्रॉलिक्ड का मतलब होता है टू प्ले एंड मूव चेयरफुली है ना अच्छे से हिलना डुलना और खेलना तो पत्तियाँ जो हिलती हैं ना मज़े में प्ले करती हैं या फिर मूव करती हैं तो टू प्ले एंड मूव तो खेलना और हिलना तो ये चाहते थे कि वो थोड़ी देर और रुके वहाँ पर एक दिन और उसी पेड़ से जुड़े रहें और वो खेलें कूदें डांस करें और वो जो है स्वंग का मतलब क्या है स्वंग का मतलब है कि झूला झूले यानी कि पत्तियां हिलती है ना तो दे यूज टू स्वंग स्विंग वर्ड से ही आया है तो वो चाहती हैं कि वो उसी पेड़ के साथ जुड़ी रहे और थोड़ा झूला झूलती रहे और वो जो है अपनी सारी बातें जो है उनको बताती रहे और सारे खेल करें यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लीफलेट्स लीफलेट्स क्या होता है लीफलेट में आपको दिखाती हूँ क्या होता है देखिए ये एक लीफलेट है ठीक है लीफलेट एक ऐसा होता है कि एक एक छोटी सी डंडी होती है इसमें कई सारी लीव्स होती हैं तो उसे लीफलेट्स कहते हैं ठीक है तो ये जो लीफलेट्स होती हैं वो सब चाहती हैं कि हम एक दिन और रुकें और हम एक दिन और उसी पेड़ से जुड़े रहें और डांस करें और खेलें और बहुत मज़े करें अपने पापा के साथ वो इंजॉय करना चाहती हैं तो वो जाना नहीं चाहती और कहती हैं कि हमको मत भेजो अभी अभी हमें कुछ देर और यहाँ पर रुकना है आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है पर ग्रेट ट्री विल फॉगेट एंड लेट स्टे अंटिल द स्प्रिंग और बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं जब पापा मम्मी भी इस तरीके से बच्चों को सुलाते हैं तो वो भी बहाने बनाते हैं और सोचते हैं कि मम्मी पापा को बातों में उलझा लो और वो भूल जाएंगे तो परहैप्स का मतलब होता है शायद द ग्रेट ट्री विल फॉगेट तो ये जो बड़ा सा पेड़ है ये भूल जाएगा हमें सुलाना एंड लेट अस स्टे अंटिल द स्प्रिंग और हमें स्प्रिंग सीजन तक यानी वसंत ऋतु तक हमें यहाँ पर रुकने की इजाजत मिल जाएगी है ना क्योंकि पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं ना ऑटम में तो वो चाहती नहीं है गिरना यहाँ पर छोटे बच्चे जो पत्तियाँ हैं वो गिरना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि हम यही रुके रहें और हमें वसंत ऋतु तक का टाइम स्प्रिंग तक का टाइम और मिल जाए वी ऑल बैग एंड कॉक एंड फ्रेट तो बैग का मतलब होता है हम सब भीख मांगेंगे अगर बच्चों को क्या लग रहा है कि अगर हम बहुत सब गिड़गिड़ाएंगे भीख मांगेंगे कोक मतलब होता है टू परसुए मतलब मनाना अगर हम अपने पापा पेड़ को मनाएंगे मनाएंगे इसके अलावा हम फ्रेट करेंगे फ्रेट का मतलब होता है चिड़चिड़ाना या इरिटेट होना हम गुस्सा होंगे अगर हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पापा पेड़ जो है हमें वसंत ऋतु तक तो यानी स्प्रिंग सीजन तक रुकने का चांस दे देंगे बट द ग्रेट ट्री डिड नॉट डिड नो सच थिंग लेकिन जो बड़ा पेड़ है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया ही स्माइल टू हियर दियर विस्परिंग वो अपने बच्चों की बात सुनता रहा और मुस्कुराता रहा है ना पेड़ बच्चों की बात सुनता रहा और मुस्कुराता रहा और क्या बोला कम चिल्ड्रेन ऑल टू बेड ही क्राइड और चिल्ला के बोला चलो बच्चों सब चलो सब सोएंगे अब एंड अर द लीवस कुड अर्थ दियर प्रेयर्स और जो यहाँ पर जितनी भी लीव्स हैं वो इससे पहले अर मतलब होता है अर का मतलब होता है बिफोर अर का मतलब क्या होता है बिफोर इससे पहले वो किसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर पाती उस पेड़ ने क्या किया हिशूक के हेड उसने अपना सर हिलाया एंड फार एंड वाइड और बहुत जोर जोर से सर हिलाने के कारण फ्लटरिंग एंड रस्लिंग एवरीवेयर डाउन स्प्रेड द ली फ्लैट थ्रू द एयर तो क्या हुआ उस पेड़ ने अपना जोर जोर से सर हिलाया और उसके कारण वो जो पत्तियाँ थी वो दूर दूर और बहुत तेजी से फ्लटर करने लगी. फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना फ्लिकर फ्लटर का मतलब क्या होता है फड़फड़ाना तो ये फड़फड़ाने लगी पत्तियाँ और रस्लिंग यानी कि आवाज जो पत्तियों के गिरने की आवाज होती है वो आवाज आने लगी डाउन स्पेड स्पेड का मतलब होता है टू टी डाउन टूट के गिरना टूट के गिरना स्पेड होता है ना तो वो पत्तियां लीफलेट जो है हवा में उड़ने लगी और टूट टूट के गिरने लगी क्योंकि पेड़ बहुत तेजी से हिल रहा था और वो पत्तियां सूख चुकी थी तो उनके गिरने का समय आ चुका था और वो इस तरीके से गिरने लगी राइट अब देखो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है आई देम ऑन द ग्राउंड पेड़ क्या कह रहा है मैंने उनको देखा कि वो ग्राउंड पे यानी कि जमीन पे पड़े हुए हैं गोल्डन एंड रेड और कौन से कलर के हैं वो कुछ गोल्डन है येलो है कुछ रेड है यानी कि ब्राउन है गोल्डन एंड रेड अ हडल्ड स्वाम हडल्ड स्वाम का मतलब होता है टू पाइल पाइल अप है ना पाइल अप का मतलब होता है कि बहुत इकट्ठा हो जाना तो पत्तियां इतनी सारी गिरी कि वो वहां पर इकट्ठी हो गई हैं और इकट्ठे एक साथ पड़ी हुई हैं। वेटिंग टिल वन फ्रॉम फार अवे वाइट बेड क्लॉथ्स हीप अपऑन हर आर्म शुड कम टू रैप देम सेफ एंड वाम अब देखो वो पड़ी रही पत्तियाँ वहाँ पर तब तक पड़ी रही, वेट करती रही किसका? जब तक कोई बहुत दूर से कोई आएगा उन्हें कपड़े में उठाएगा उन्हें हीप करेगा यानी उन्हें इकट्ठा करेगा और अपने कंधे पर उस कपड़े को झोले को टांग लेगा लोग पत्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं ना कभी, कभी 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 आग जलाने के लिए कर लेते हैं सूखी पत्तियाँ इकट्ठी या अलग अलग पर्पज़ के लिए तो वो कोई आएगा उन पत्तियों को इकट्ठा करेगा और एक कपड़े में लपेट के अपने कंधे पे टांग लेगा शुड कम टू रैप सेफ एंड वार्म और उन्हें सेफली रख लेगा अपने पास तब तक वो पत्तियाँ वहीं पड़ी रहेंगी पेड़ ऐसा कह रहा है द ग्रेट बेट ट्री लुक डाउन एंड स्माइल्ड गुड नाइट डियर लिटिल लीव्स ही सेड अब देखो बेयर लीव क्यों कह रहे हैं बेयर का मतलब होता है कि जिसने कोई कपड़े ना पहने हो है ना विदाउट क्लोथ्स तो यहाँ पर देखो ये पेड़ की शाखाएं दिख रही हैं आपको पहले पत्तियां थी तो वो कैसा दिख रहा था पत्तियां थी तो वो दूसरे तरीके का दिख रहा था ऐसा लग रहा था उसने ही ए, कपड़े पहन रखे हैं लेकिन जब उसकी पत्तियां झड़ गई तो वो बेयर लग रहा है थोड़ा सा नेकेड लग रहा है तो वो जो बेयर ट्री है जिसकी सारी पत्तियां गिर गई है वो नीचे देखता है और स्माइल करता है नीचे देख के स्माइल करता है और क्या बोलता है गुड नाइट डियर लिटिल लीव्स ही सैड और कहता है मेरी प्यारी पत्तियों गुड नाइट सो जाओ एंड फ्रॉम द बिलो और नीचे पड़ी हुई पत्तियाँ ईच स्लीपी चाइल्ड जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं नीचे पड़ी हुई हैं वो रिप्लाई करती हैं रिप्लाइड गुड नाइट एंड म मर्ड इट इज सो नाइस टू गो टू बेड और क्या कहती हैं सोने में बहुत आराम मिलता है और बहुत अच्छी स्लीप है और वो स्लीप को अप्रिशिएट करती है तो सुजैन कोलरिज ने इस पोएम को लिखा था इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन किया गया है जिसमें एक पेड़ को फादर और उसकी लीव्स को चिल्ड्रन की तरह शो किया गया है ठीक है और इस पोएम की अगर हम बात करें तो इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है राइमिंग स्कीम है वो कौन सी है ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी इसकी राइमिंग स्कीम है ठीक है देखो अब ये राइमिंग स्कीम क्या होती है तो राइमिंग स्कीम का मतलब होता है मिलते जुलते वर्ड्स राइम करते हैं ना जैसे मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ में शो कर देती हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन लास्ट में डाउन लिखा है यानी कि एक तरीके का वर्ड हो गया फिर सेड ये डाउन से मिलता जुलता नहीं है इसलिए इसको हम बी कह रहे हैं ब्राउन तो डाउन और ब्राउन मिल रहे हैं तो इसे ए कहेंगे जो मिल रहे होंगे उन्हें सेम नाम देंगे सेम लेटर देंगे ठीक है सेड और रेड मिल रहे हैं तो इसे बी नाम देंगे और बेड भी मिल रहा है इसे हम बी नाम देंगे इसलिए मैं कह रही हूं राइमिंग स्कीम क्या है ए बी ए बी बी ठीक है इसी तरीके की पूरी राइमिंग स्कीम पूरी पोएम में यूज़ की गई है और पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी कैसी लगी आप बताएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का थैंक यू सो मच स्टे ब्लेज एंड गॉड ब्लेस यू डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स थैंक यू सो मच